सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम सोमेश सिंह राजपुरोहित है और आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ भाई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर समझने के पहले यार सबसे पहले पिक्चर में आता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आया क्यों, उसके पहले क्या था। तो सबसे पहले था सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, सपोज मेरी लास्ट मोमेंट ट्यूशन की कंपनी है, छोटी कंपनी है, अब मेरी ऑफिस है उसमें एक ही पीसी है, अब उसी पीसी में एडिटिंग भी हो रहा है, अपलोडिंग भी हो रहा है, अगर किसी को सर्फिंग करना है तो भी वो करना है, तो उससे क्या हो रहा है, सारा काम एक ही पीसी कर रहा है। पीसी बहुत अच्छा है लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे मेरा जो स्पीड है, मेरी जो एफिशिएंसी है वो कम हो रही है, समझ रहे क्या। तो उसी तरह से पहले सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ करता था जहाँ पे क्या होता था, सारा काम एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम करता था और उससे वजह से क्या होता था, ऑल कैलकुलेशन आर डन इन वन पर्टिकुलर कंप्यूटर, पहली चीज। दूसरा, अभी अगर वो पीसी को कुछ हो गया तो सारा काम रुक गया, तो फॉल्ट टॉलरेंस नॉट अवेलेबल। तीसरा, अब यार पीसी को स्केल करना है मेरे को, उसमें और कुछ बड़ा करना है, तो यार कैपेबिलिटी ऑफ अ सिंगल मशीन, एक सिंगल मशीन की जितनी कैपेबिलिटी होती है तो आप उसको उतना ही स्केलेबल कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम ना सेंट्रलाइज सिस्टम में आ रही थी। तो पिक्चर में आया भाई, बोला यार ये सब नहीं चलेगा, एक काम करते हैं कुछ नया लाते हैं। तो किस इंसान ने ला दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग पीसीज होती है जिनका अपना एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अपना एक मेमोरी होगा, अपना एक डिस्क होगा, और ये अलग अलग पीसी एक कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, आप समझ रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अभी LMT में आपने चार पीसी डाल दी और चारों कनेक्टेड है कम्युनिकेशन नेटवर्क है, तो एक बंदा एडिटिंग कर रहा है, दूसरा अपलोड कर रहा है, तीसरा सर्फिंग कर रहा है, और तीनों को अपने से कुछ कम्युनिकेट करना है पीसी से, तो वायर से कनेक्टेड है वो, और अभी तो नेटवर्क और इंटरनेट से कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो कुछ भी मैसेज पास करना है तो वहाँ से कर लेते हैं। अब इसका फायदा क्या हो गया मैं बता देता हूँ, कैलकुलेटेड कॉन्करेंटली। अब क्या, एक बड़ा टास्क है, बड़ा टास्क आ गया, उसको टुकड़ों में बांट दिया। अब यहाँ पे एक ही पीसी में सारी चीज़ हो रही थी, यहाँ पे चारों पीसी में एक साथ हो रहा है वो काम, एक साथ हो रहा है, तो कितना ऑसम है वो, मतलब एक साथ चार पीसी काम कर रही है, सो कॉन्करेंटली आपका जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे एक ही पीसी में हो रहा था। दूसरा, फॉल्ट टॉलरेंस अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल चार पीसी है, एक पीसी मतलब कुछ हो गया सीन, तो तीन लोग तो संभाल लेंगे ना काम, यहाँ पे एक ही पीसी के पे सब आ रहा है तो वो कैसे संभालेगा। तीसरी चीज़ है स्केलेबिलिटी। अब मैं यहाँ पे इजीली एक और नया पीसी भी ऐड कर सकता हूँ क्योंकि इट्स इजीली स्केलेबल, समझ रहे हो, मेरे को इसे कम्युनिकेशन नेटवर्क में थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा और थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, दैट्स इट। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन थे कि सेंट्रलाइज सिस्टम की जगह डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इसलिए आया गया था। तो ये ऊपर से आ गया। अब थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं अपन। मेन चीज़ इसका क्या था पता है, रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बहुत बड़ी कंपनी में हूँ और वहाँ पे प्रिंटर हर बंदे के बाजू में एक पर्सनल प्रिंटर तो नहीं ला सकते ना, तो अपने को डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम में क्या होता है, हर पीसी एक प्रिंटर से कनेक्टेड है और जिसको भी प्रिंट देना है वो बंदा अपने पीसी से प्रिंट दे देता है और उस इस प्रिंटर से प्रिंट निकल जाता है। तो एक रिसोर्स कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज और दिस वॉज द मेन गोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, कि एक रिसोर्सेज बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर पाए, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पिक्चर में आया था। और उससे अच्छी चीज़ क्या हो रही है पता है, क्योंकि ना आपके बाजू में जो प्रिंटर अगर आपको पर्सनली दिया गया है तो आप हफ्ते में उसको दो या तीन बार यूज़ करोगे, लेकिन या फिर महीने में 5-6-10 बार, लेकिन अगर वो सबके साथ शेयर्ड है तो कितना औसम है, वो डेली यूज़ हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, आप समझ रहे हो क्या, वो ऑप्टिम मतलब कितना ज़्यादा यूज़ होगा उतना आपका फ़ायदा होगा यार, आपकी कंपनी का फ़ायदा होगा, समझ रहे हो, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पिक्चर में आया। अब आ जाते हैं कुछ थोड़ा सा डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे। ओके, अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंटेन्स मल्टीपल नोड दैट आर फिजिकली सेपरेटेड बट लिंक टूगेदर यूजिंग अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। उसके अंदर मतलब मल्टीपल नोड मतलब मल्टीपल कंप्यूटर, कंप्यूटर जरूरी नहीं, कोई एक प्रिंटर भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। तो नोड्स मतलब एक फिजिकल कंपोनेंट कह सकते हो या फिर वर्चुअल सॉफ्टवेयर कह सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट सिस्टम कंटेंट मल्टीपल नोड्स, मल्टीपल नोड्स वो फिजिकली सेपरेटेड है बट एक दूसरे से लिंक है विद अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, मैसेज पास करके। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज डिफाइन एज अ सेट ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर दैट अपीयर्स टू इट्स यूजर एज अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की सबसे खास बात क्या है पता है, अगर कोई बाहर का बंदा आपकी कंपनी में देख रहा है ना, तो या फिर बाहर का बंदा आपकी रिसोर्सेज को देख रहा है, आपको सिस्टम को यूज़ कर रहा है, उसको लगेगा एक ही पीसी है भाई, एक ही सिस्टम है। और ये सबसे पहली चीज़ आई थी सेंट्रलाइज सिस्टम जब हटाया गया था, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लाया गया था ना, कि बाहर वाले को किसी को पता नहीं चलना चाहिए
कि सेंट्रलाइज की जगह डिस्ट्रीब्यूटेड, सारे फंक्शन वैसे ही होने चाहिए, ऐसा लगना चाहिए अरे डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहा है लेकिन फास्ट कर रहा है और अच्छा, सेंट्रलाइज ही कर रहा है लेकिन फास्ट कर रहा है और अच्छा कर रहा है, समझ रहे हो। तो सबसे पहली चीज, जो भी सिंगल कॉन्कर आपका यूजर है उसको कभी ऐसा भनक नहीं पड़नी चाहिए कि अरे बदल गया तेरा सर्वर विरवर ये वो चीज़, आपका सिस्टम बदल गया, नहीं अब सब सेम है और फास्ट हो गया हमारा सिस्टम, समझ रहे हो। तो वो अभी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, वो है हेट्रोजेनिटी इज हिडन फ्रॉम द यूजर। अब यार मैं चार अलग अलग पीसी लिए यूज़ कर रहा हूँ तो ज़रूरी थोड़ी है कि जो चारों पीसी है वो सिर्फ एचपी के होंगे, कुछ पीसी डेल के भी हो सकते हैं, तो उनका जो आर्किटेक्चर है अपना उसका अंदर का वो अलग हो सकता है, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी समय में विंडो डालूंगा, किस समय में लिनक्स डालूंगा, उबंटू डालूंगा, लेकिन यूज़र को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी चार पीसी अलग है, उसका जो अंदर का हेट्रोजेनिटी मतलब पीसीज अलग है, सॉफ्टवेयर यूज अलग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है, वो तो जब यूज़ कर रहा है ना मेरा चीज़ें तो उसको तो लगना चाहिए कि भाई सेम ही तो है, समझ रहे हो क्या। तो वो चीज़ हिडन होनी चाहिए सामने वाले से। सेकंड, द मैनर इन विच डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इंटरनली इज हिडन। मैं अंदर से अपना जो इसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैसेज पास कर रहा हूँ, कुछ भी पास कर रहा हूँ, वो सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए, वो हिडन होना चाहिए सबसे। सामने वाला जब यूज़ करे तो उसको लगना चाहिए सब सेम ही है और कुछ नया बदला नहीं है। तो वही ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की दोनों में बात की गई है। तीसरा, रिसोर्स लाइक प्रिंटर कैन बी शेयर्ड विद मल्टीपल नोट्स रेदर देन बीइंग रेस्ट्रिक्टेड टू वन। ये चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी। अवेबिलिटी मस्ट बी देयर इन स्पाइट ऑफ फेलियर। ये चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी कि अगर एक पीसी भी फेल हो जाए तो ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि अबे यार पीसी नहीं है या फिर काम रुक गया, नहीं बाकी तीन पीसी ऐसा फटाक से आपका काम संभाल लेना चाहिए ना, कि कोई बाहर का यूज़र है उसको एक्सेस करने तो वो बोले यार कुछ हुआ ही नहीं, समझ रहे हो क्या। एक पीसी बंद हो गया तो बाकी तीन काम संभाल रहे हैं, सेंट्रलाइज में क्या होता है एक बंद हो गया तो सब बंद हो जाएंगे। तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यूज़र आया तो उसको अवेलेबल होना चाहिए रिसोर्सेज, समझ रहे हो क्या। और यहाँ पे सिर्फ एलएमटी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया था आपको लास्ट मोमेंटेशन का, समझ मेन चीज़ तो अवेलेबिलिटी ये सर्वर वर्वर की बात होगी, दूसरी चीज़ों की बात होगी जहाँ पे यूज़र्स हमारा सामने वाला जो है एक कॉमन यूज़र है, आप समझ रहे हो क्या, एक कॉमन यूज़र है जो हमारी सर्विसेज यूज़ करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन एंड लोड शेयरिंग। फॉर एग्जांपल अभी चार पीसीज है, चार पीसी काम कर रही है और एक पीसी पे बहुत सारा काम आ गया तो वैसे तो नहीं चलेगा ना, तो लोड शेयरिंग होना चाहिए ताकि ज़्यादा एक पे लोड आए तो फटक से वो लोड बाकी तीनों पे दे दे। तो इस तरह से ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। क्या यार डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तो पढ़ लिया लेकिन थोड़ा एग्जाम्पल तो बता दें। एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट इज अ वेरी लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। यूजर एट एनी लोकेशन इन नेटवर्क कैन यूज सर्विसेज लाइक ईमेल, फाइन ट्रांसफर, www। इंटरनेट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मतलब क्या, कुछ कंप्यूटर सेपरेटेड है लेकिन एक दूसरे से कम्युनिकेशन नेटवर्क में कनेक्टेड है। सिंपल इंटरनेट भी तो वही है, आप अपने पीसी से काम कर रहे हो, आपने फटाक से अभी जीमेल खोला तो जीमेल किसी और का सर्वर है, आप उसकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो कम्युनिकेशन नेटवर्क से, आप क्लिक कर रहे हो उनके सर्वर पर जा रहे हो तो वो भी तो है। आप अपनी एक फाइल किसी के भी थ्रू जीमेल के थ्रू भेज रहे हो या फिर कोई भी मतलब ड्राइव के थ्रू किसी को शेयर कर रहे हो, व्हाट्सएप के थ्रू किसी को शेयर कर रहे हो, तो आपने अपना फाइल किसी को ट्रांसफ़र किया कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू, वो उसके सर्वर के हेल्प से आपके किसी फ्रेंड को भेज रहे हैं, तो ये भी तो एक बहुत बड़े लेवल का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ही तो है, समझ रहे हो। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आया तभी इंटरनेट मतलब इतना मचा पाया, आप अपने मोबाइल से किसी और के मोबाइल से कम्युनिकेशन नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहे हो, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। अब आ जाते हैं दूसरा है, वो है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है पता है, इंटरनेट बहुत बड़ा है। इंट्रानेट मतलब भाई अपना ना अपने ऑफिस में चार लोग कम्युनिकेट करेंगे, बाहर वाले को नहीं लाएंगे, वो इंटरनेट हो गया। इंट्रानेट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इंटरनेट बिलोंगिंग टू सम ऑर्गेनाइजेशन सेपरेटली एडमिनिस्ट्रेटेड टू एनफोर्स लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी। क्या पता है अपन चार लोग, अपन चार लोग अपना काम करेंगे, बाहर वाली पब्लिक को नहीं लाएंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे और आपस में अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर जाए। सिंपल सी बात है, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन अपना काम का अच्छा संभालते हैं, जरूरी नहीं कि वो बाहर की मदद लेते हैं, अपने काम अपने ही चालू कर लेते हैं, वो होता है इंटरनेट। अब आते हैं मोबाइल एंड यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, मैनी स्मॉल एंड पोर्टेबल डिवाइसेज मैन्युफैक्चर्ड विद ऑटोमेशन इन टेक्नोलॉजी इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज नाउ इंटीग्रेटेड इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। हाँ, तो बहुत सारी पोर्टेबल डिवाइसेस मैन्युफैक्चर्ड विद एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सारी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है, ये सब इंटीग्रेटेड होते हैं एक दूसरे से इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, वो नॉट नहीं था, नाउ था,
ठीक है। एग्जाम्पल, अभी मोबाइल है, लैपटॉप है, फ़ोन है, कैमरा है, ये दूसरे ये भी डिवाइसेस हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। मोबाइल यूज़र कैन ईजिली यूज़ रिसोर्सेज अवेलेबल इन नेटवर्क एंड सर्विसेज अवेलेबल इन इंटरनेट। अभी एक मोबाइल से आप ईजिली कोई भी गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हो, जीमेल यूज़ कर सकते हो। जीमेल या गूगल ड्राइव भी तो कहीं ना कहीं तो सर्वर ही है ना, तो उनकी भी तो सर्विसेज अपन यूज़ कर रहे हैं ना। उसके साथ साथ अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हो तो अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो प्रिंटर से और प्रिंट मार सकते हो। तो अभी इंटरनेट तो था ही, इंटरनेट भी था, पर अब जो मोबिलिटी है, मूवेबल डिवाइस है, जैसे लैपटॉप हो गया, पहले तो पीसी थी ना सिर्फ, अभी मूवेबल डिवाइस है जैसे लैपटॉप हो गया या फिर मोबाइल हो गया, तो उसको भी आप फटाक से कनेक्ट कर सकते हो रिसोर्सेज से, रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो विद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे के वीडियो में जो हम देखने वाले हैं ना भाई, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो आगे की वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।